यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना ने जो मुहिम शुरू की थी वो तूफानी रफ्तार से जारी है। पिछले 24 घंटे में फिर भीषण जंग हुई है। रूस की सेना नेटो देशों के हथियारों को खत्म करने के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि युद्ध के कई मोर्चों पर वो हावी है और यूक्रेनी फौज को कई कामयाबी भी मिली है। जबरदस्त लड़ाई की वजह से दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। ना जीत के जुनून की और ना ही अंजाम की फिक्र है। दोनों देशों के सैनिकों के सिर पर एक दूसरे को मात देने का ऐसा जोश है कि धमाकों की आवाज थम नहीं रही। रूस और यूक्रेन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंस की शुरुआत कर चुका है। रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए बारूदी गोदाम का दरवाजा खोल चुका है। जबरदस्त जंग के बीच अब दोनों देशों की मिसाइलें भी गरज रही हैं। रविवार को रूस ने 4 कैलिबर मिसाइलें दागी। रूस ने ओडेसा में मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी से रशियन मिसाइल कैरियर्स ने यह हमला किया है। रूस के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास मिसाइल के नाम पर फिलहाल इकलौता विकल्प है। स्टॉर्म शैडो से हमला, रूस का शहर बाल बाल बचा। रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। रविवार को यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर कई बार हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एयर डिफेंस ने एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को नष्ट किया। यूक्रेन के 18 ड्रोन को भी एयर डिफेंस ने गिरा दिया। 2 हाईमार्स शेल को भी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। कुप्यांस में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। यहां रूस की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हुई है। यूक्रेन इस इलाके में बड़ा हमला करने की ताक में था। लेकिन रशियन फौज का दावा है कि कुप्यांस्क में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियों के हमले को नाकाम किया गया। यहां यूक्रेन का एक MLRS और हॉवित्जर भी नष्ट किया गया। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच रूस के हमले में एक अमेरिकी काउंटर बैटरी रडार नष्ट हो गया। रूस की सेना ने एक बार फिर ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट किया है। ज़ापोरिज़्या में रूस के हमले में 2 ब्रैडली व्हीकल बर्बाद हो गए। ज़ापोरिज़्या में 380 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के 35 टैंक, 33 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 2 ब्रैडली समेत कुल 38 आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया। पश्चिमी देशों से आए हथियारों को नष्ट करने की मुहिम के बीच रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी हथियार के गोदामों का पता लगा रही है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के एक वेपन डिपो को ब्लास्ट से उड़ा दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सरकार ने पश्चिमी देशों से आए हथियार देकर यूक्रेनी फौज को जबरन आगे बढ़ने का आदेश दिया है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना से मुकाबले में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि अब वॉर जोन से सरेंडर की कई खबरें आई हैं। रूस का दावा है कि डोनेस्क में 600 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। डोनेस्क में 210 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ज़ापोरिज़्या में रविवार को 40 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। रशियन फौज का दावा है कि ज़ापोरिज़्या में यूक्रेनी फौज को यह एहसास हो चुका है कि वो युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नेटो के दबाव की वजह से यूक्रेन के कमांडर्स अपने सैनिकों को मौत के मुंह में जबरन भेज रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी कामयाबी का दावा कर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रशियन फोर्स के हमलों का जवाब दिया जा रहा है।
यूक्रेन की सेना का दावा है कि लिमन, बाखमुत, अवदीवका, डोनेस्क में भी रूस की सेना से जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध के बीच एक बार फिर रशियन कामो 52 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। 3 दिनों में रूस के 4 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की सेना गिरा चुकी है। यूक्रेन के हमलों से निपटने के लिए रूस की डिफेंस लाइन तैयार है। देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ। ये रशियन फोर्स की माइंस का असर है। रूस की सेना ने अपनी माइंस को टेस्ट किया। माइंस क्यों लगाई गई हैं? उसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये अमेरिकी 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन M109A6 पैलाडिन है। यूक्रेन की सेना लगातार ऐसे टैंक और MLRS के साथ आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना को काउंटर ऑफेंस के लिए बड़े पैमाने पर आर्मर व्हीकल भी दिए गए हैं। ये फ्रांस का AMX-10 RCR टैंक है और ये लेपर्ड टैंक है। ऐसे ही टैंकों को तबाह करने के लिए रशियन आर्मी माइंस लगा रही है। रूस टैंकों को नष्ट करने के लिए कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी देशों से आए टैंक से ही यूक्रेनी फौज रशियन सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है। यही वजह है कि रूस के ड्रोन लगातार आसमान से निगरानी कर रहे हैं और यूक्रेन के टैंक पर आत्मघाती हमला कर रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी पूर्व CIA अफसर ने दावा किया है कि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की से परेशान हो चुका है और अमेरिका ज़ेलेंस्की से छुटकारा पाना चाहता है। पूर्व CIA अफसर के मुताबिक ज़ेलेंस्की अमेरिकी देशों की उम्मीदों पर पानी फेर चुके हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की से किनारा कर सकता है। लेकिन ये साफ नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन में नेतृत्व बदलेगा या फिर यूक्रेन और इस युद्ध से दूरी बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।